हेलो दोस्तों, बात करेंगे सर्ट्रालीन टैबलेट के बारे में। ये कौन सी मेडिसिन होती है, किस काम आती है और इसका ये यूज क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और कैसे काम करती है, इसके मॉडल ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं इसकी ब्रांड के बारे में, किस नेम से मेडिकल स्टोर पर आती है। सर्टा 25 मिलीग्राम को यूनिकेम कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। 1300 मिलीग्राम जोलोस्ट 100 मिलीग्राम इसको फाइजर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और सर वेल इसको वेलोना कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों, ये ब्रांड है। तो अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में। सेरेटाइन टैबलेट एक एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है। इसका यूज डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। डिप्रेशन क्या होता है, जब इंसान किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो इंसान ये सडनली उसको छोड़ के चला जाए तो एकदम में उसको क्या होता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इस दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं। डिप्रेशन क्या होता है, क्यों हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर आप इसकी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अलग से एक इसकी वीडियो बना दूंगा। और इसका यूज़ PTSD में भी होता है। इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। ये क्या होता है, ये पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें इंसान के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जो इंसान कभी भूल नहीं पाता है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं और इसका यूज़ पैनिक डिसऑर्डर में भी होता है। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें एकदम से अचानक से घबराहट होने लगती है तो उसमें भी डॉक्टर इस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। सोशल फोबिया में भी डॉक्टर इस दवाई का प्रिस्क्राइब करते हैं। ये क्या होता है, इसमें इंसान किसी से मिलना नहीं चाहता है, किसी से बोलना नहीं चाहता है, अकेले रहना पसंद करता है, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर इस दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसका यूज़ प्रीमेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में भी करते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, ये महिलाओं में पीरियड आने से पहले उनको एंग्जाइटी होने लगता है, घबराहट होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का उपयोग करा जाता है। तो दोस्तों, ये सब इसके यूज हैं। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसको देने के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, भूख का कम लगना, वजन कम हो जाना, जीने चक्कर आना, कमजोरी लगना, पीना ज़्यादा आना और सांस लेने में भी परेशानी होना, तो ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस मेडिसिन को लेने के बाद। तो बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, काम कैसे करती है। सर्ट्रालीन टैबलेट एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है, बट ये एक कैटेगरी इसकी एक क्लास होता है, एंटी डिप्रेशन का एक क्लास होता है। ये जो क्लास में आती है, जो सेरोटोनिन, ये SSRI की क्लास की ड्रग होती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएक्टिव इनहिबिटर। तो ये नाम से पता चलता है ये सेरोटोनिन पे काम करती है। हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसमें एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, तो ये उस सेरोटोनिन को इनहिबिट कर देती है जिसके कारण डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, घबराहट होना, ये सब ठीक हो जाता है। तो ये ऐसे काम करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्रीक्वेशन के बारे में। इस मेडिसिन को कौन लोग नहीं ले सकते, किस बीमारी में इस मेडिसिन को नहीं लेना होता है। जिनको सीजर की प्रॉब्लम है, जिनको ये दौरे आते हैं, तो उनको भी इस मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। थायराइड इन्फेक्शन, किसी को थायराइड इन्फेक्शन है उसमें भी, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। ग्लूकोमा में भी इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। और इसको प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंट वुमेन को भी बिना डॉक्टर की सलाह से इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। फास्ट हार्ट बीट, जिन लोगों की हार्ट बीट नहीं चलती है उनको भी इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसका ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। इस मेडिसिन को लेने बाद कौन सी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग गलती से भी उन मेडिसिन को ले लेते हैं तो इसके आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उन दवाइयों का इससे इंटरेक्शन हो जाता है जिसके कारण जल्दी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फिमोजाइड मेडिसिन, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो होती हैं, आइबुप्रोफेन होती हैं, नेप्रोजोन होती हैं, ये भी इस मेडिसिन को लेने बाद नहीं लेना चाहिए। मीटाजालोन, प्रोकार्बाजीन, वारफिन, ये वो मेडिसिन होती हैं, इस मेडिसिन को लेने बाद इन मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी डोज और प्राइस के बारे में। इसकी डोज क्या होती है, इसकी डोज 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम की मार्केट में अवेलेबल होती है। इसकी डोज डॉक्टर पेशेंट की नीड के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे इसकी डोज 50 मिलीग्राम दिन भर में एक टैबलेट दी जाती है, बट होता क्या है, कोई कंडीशन में डॉक्टर इसको ज़्यादा भी प्रिस्क्राइब करते हैं, किसी को 100 मिलीग्राम भी देते हैं, किसी को 25 मिलीग्राम भी प्रिस्क्राइब करते हैं। वो पता चलता है पेशेंट की कंडीशन देख के, पेशेंट कैसा महसूस कर रहा है। अगर उसको ज़्यादा डिप्रेशन है, ज़्यादा घबराहट होती है, तो उनको वैसे ही डोज उसकी बढ़ा के दी जाती है। और इसका प्राइस आपको 150 रुपये में एक स्ट्रिप मिल जाता है जिसमें 15 टैबलेटें होती हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।